नमस्कार। आज अध्ययन किया जाएगा आपके साथ में, कक्षा 9वीं का विषय हिंदी पाठ दो बैलों कथा। आप सबको पता होगा दो बैलों कथा धनपत राय जी ने लिखी है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने। धनपत राय उनका वास्तविक नाम था, उन्होंने ये लिखी है। अब प्रेमचंद जी जाने माने उपन्यास सम्राट हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारतवर्ष उन पर गौरव करता है। कहानीकार हैं, उनमें हर तरह की विद्या है, तो थोड़ा सा जीवन परिचय उनके बारे में जानना लाजमी बनता है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही गांव बनारस में हुआ था, वही बनारस जहाँ कबीर जी का जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्हें बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था 1920 में, भाग लेने के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। असहयोग यानी सहयोग नहीं करना है ब्रिटिश सरकार का, वो असहयोग आंदोलन था। उसमें इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया नौकरी से और लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में एक निकली थी इनकी एक रचना सोजे वतन, उसको ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया और उनको धरपकड़ शुरू हुई, तो इन्होंने नाम बदल के लेखन लेखन कार्य शुरू कर दिया। तो तब से इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य करने लगे। प्रेमचंद की कहानियाँ 8 भागों में मानसरोवर में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में ये इंपॉर्टेंट बात है, किसानों की दुर्दशा, शोषितों की व्यथा, शोषित यानी जिनका शोषण किया जाता है वो होते हैं शोषित, वो शोषक जो शोषण करते हैं, तो शोषितों की व्यथा, समाज में स्त्री की दुर्दशा आदि का चित्रण किया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण उनकी रचनाएं आम जनता में लोकप्रिय हैं। उन्होंने बड़ी से बड़ी बात को सरल शब्दावली में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए, तद्भव जो संस्कृत से आए हैं परंतु आम बोलचाली भाषा में वो बदल गए, अरबी भाषा, फारसी जो विदेशी शब्द है का कुशल प्रयोग मिलता है। प्रेमचंद का निधन सन 1936 में हुआ था, 1880 में जन्म, सन 1936 में उनका देहावसान हो गया। अब जो ये पाठ है इसमें इस स्लाइड को लेते हैं, ये स्लाइड है पहला स्टेप। तो प्रस्तुत पाठ आप उत्तर ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ क्षितिज भाग एक में गद्य खंड से लिया गया है जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रस्तुत पाठ लेखक की प्रसिद्ध कहानियों में से एक, आपको बता दिए प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए बार बार संघर्ष करना, कोई भी बात हो उसे बार बार संघर्ष करना पड़ता है, एक बार में कोई चीज नहीं मिलती है। मतलब कहने के तात्पर्य ये मौलिक जो कहते हैं मौलिक जो तत्व है, जो अपने नीति निर्देशक मूल्य है, नीति विषयक मूल्य है, जो मॉरल वैल्यूज है, उनको उभारती है, उनको उजागर करती है। तो नीति विषयक मूल्यों पर आधारित, किन पे? नीति विषयक मूल्यों पर आधारित प्रस्तुत कहानी यानी दो बैलों की कथा के द्वारा प्रेमचंद ने भारतीय कृषक, कौन से भारतीय कृषक यानी किसान और समाज में, कृषक समाज में पशु और मनुष्य के भावनात्मक संबंधों का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। मतलब कौन है भारत में, किसान है और पशु है, उन दोनों के भावनात्मक संबंधों को उजागर किया है। मुंशी प्रेमचंद ने यह भी बतलाया है कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार, हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, चाहे कुत्ता हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, सबको अच्छी लगती है, परंतु इसको सहजता से प्राप्त नहीं किया जाता, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे दो बैलों की कहानी है। कौन कौन से बैल थे? हीरा और मोती। हीरा और मोती दो बैल थे, उनकी वो कहानी, एक तो हीरा है, दूसरा मोती है। उनका मालिक कौन है? झूरी काछी। कौन है? झूरी काछी। उनकी घरवाली पात्र, जो कहानी में पात्र है,
कौन कौन है? पहले दो बैल हैं, हीरा मोती, दूसरा उनका मालिक झूरी काछी, दूसरा उनका साला झूरी काछी गया। ठीक है, ये उनकी पात्र हैं, कहानी के पात्र हैं। दूसरी देखो, अब इसमें एक गधे का भी जिक्र आया है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन माना गया है। बुद्धिहीन कहते हैं, बोलचाल में भी कहते हैं अरे गधे हो तुम तो, गधे हो, तो यहां पर बुद्धिहीन जानवर माना गया है क्योंकि इसका आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ समझते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? मतलब वास्तव में कहते बेवकूफ है या उसके सीधापन के कारण लोगों ने उसे ये गधे की पदवी दे दी, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। इसका इससे निश्चय नहीं किया जा सकता व्यक्ति के व्यवहार से कि आदमी गधा है या मूर्ख है या कुछ नहीं जानता है। उसकी जो सरलता है उसे कुछ सीख लेनी चाहिए। जो ऋषि मुनियों ले जैसे गुण है, सहन शक्ति है उसके पास, सही सुनता हमने, सहन शक्ति है, सहन करने की शक्ति। देखो, गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई सांग बाई ब्याई हुई गाय, ब्याई हुई मतलब जिस गाय के बच्चा हुआ है, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है अगर उसके बच्चे के पास आते। सिंहनी मानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है और बच्चे के पास कोई आता है तो। कुत्ता भी अत्यंत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी वो भी गुस्सा करता है। तो प्रेमचंद ने गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग न कर किसका प्रयोग किया? सरलता और सहनशीलता के जो गुणों को की ओर संकेत किया है। मूर्ख शब्द का प्रयोग न कर प्रेमचंद ने यहां पर गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग न करके सरलता और सहनशीलता, उसकी सरलता है और सहन करने की शक्ति है, सद्गुणों की ओर इशारा किया है। इन सद्गुणों के आधार पर ये कौन सी, सरलता और सहनशीलता, इन गुणों के आधार पर गधे को ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा गया है। प्रेमचंद के अनुसार सद्गुणों का इतना अनादर होते हुए कहीं नहीं देखा गया। मतलब सद्गुण ऐसे सद्गुण है और उसका अनादर और कहीं नहीं देखा गया है, बल्कि इनका आदर करना चाहिए। कहानी में सीधेपन की दुर्दशा को दिखाया गया। किसके दिखाया गया? सीधेपन की दुर्दशा को, मूर्खता को नहीं दिखाया गया यहाँ पे कहानी। जो व्यक्ति सीधे हैं उनको कितना परेशान किया, कितना शोषण किया जाता है। तो सीधे व्यक्ति का हमेशा आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी उसको सुरक्षा देनी चाहिए है? तो या उसका सीधेपन की दुर्दशा को दिखाया गया है, उसकी मूर्खता को नहीं दिखाया। ले प्रेमचंद ने यहाँ पे मूर्ख दिखाने के लिए नहीं दिखाया गधे गधे को। अतः ऋषि मुनियों के गुणों को धारण करने वाला प्राणी मूर्ख नहीं है, बल्कि अतिशय गुणों से युक्त, अतिशय मान अधिक गुणों से युक्त है, अतः उसकी कद्र होनी चाहिए। अगली स्लाइड ये देखिए, ये आप इनमें से किसी को हीरा मान सकते हैं, किसी को मोती आप मान सकते हैं। माने कि अब आप बात करते हैं कि ये सीधा सा लग रहा है, ये इसको हीरा मान लेते हैं। हीरा को जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हीरा को ऐसा लगता है कि मैं आदर्श गुणों से युक्त है, ये शांत स्वभाव का है, कभी उग्र नहीं होता, और ये इसको शायद मोती मोती मान लेते हैं। ये थोड़ा उग्र है, जैसे लक्ष्मण का स्वभाव होता है उसी तरह का इन्हें हम मान सकते हैं, ऐसी ये इस कहानी के अनुसार। आगे देखते हैं, ये गधे का गधा है, बिल्कुल नीचे गर्दन करके रहता है, एक से भाव में रहता है हमेशा, पर कभी कभी बैसाख के महीने में कुलेल कर लेता है, तभी इसे बैसाख नंदन भी कहते हैं, इसे बैसाख नंदन भी कहते हैं। ये कुत्ता है, बच्चे छेड़ लेते हैं आराम से बैठता है कभी कभी, परंतु ये भी कभी कभी उग्र रूप धारण कर लेता है। तो ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, इसमें दो बैल होते हैं, हीरा और मोती, ये बहुत आपस में प्रेम करते हैं, साथ रहते हैं, एक मालिक के घर में रहते हैं, अस्पृष्ट रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े प्यार से अगर कोई व्यक्ति रखता है तो थोड़ा बहुत जो भी घास फूस खा के बड़े मस्त रहते हैं, बड़े अच्छे से जीवन यापन करते हैं। एक दिन क्या होता है, प्रस्तुत थोड़ा सा सारांश से बता देता हूँ। एक दिन झूरी का साला गया आया कि मुझे तुम्हारे बैल दे दो, मुझे मेरी खेती करनी है, खेती में बीज डालने के बाद में, जुताई करने के बाद में वापिस दे छोड़ जाऊंगा। तो इनको ले जाते हैं,